सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप अपने अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हो या फिर उसमें रजिस्टर करना चाहते हो या फिर दोस्तों आप उसमें अपनी ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंटों में अपनी ईमेल आईडी अपडेट या फिर ऐड कर सकते हो। दोस्तों क्या होता है, हमारी ईमेल आईडी अगर हमारे अकाउंट में ऐड होती है तो दोस्तों हमारे अकाउंट को जितने भी मैसेज होते हैं, जो भी हमारे अकाउंट से नोटिफिकेशन आती हैं, वो सारी हमारी ईमेल आईडी पर आ जाती हैं। तो दोस्तों ईमेल आईडी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमारे अकाउंट में दोस्तों जो भी हमारे पास ऑफर आते हैं, जो भी दोस्तों हम लेन देन करते हैं, वो सारी डिटेल हमारे ईमेल आईडी में चली जाती है, जिससे दोस्तों हमारे पास सबूत होता है, प्रूफ होता है कि हमने कितने लेन देन किए हैं और क्या क्या ऑफर हमारे पास आए हैं। क्योंकि दोस्तों हम अपनी ईमेल आईडी कहीं भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी अपने अकाउंट में कैसे ऐड कर सकते हो या फिर कैसे अपडेट कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो। दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर नई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा तरीका लाइव दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करोगे तो आपको दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए प्रोफाइल का, आपको इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है ईमेल आईडी अपडेट। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, पैन कार्ड अपडेट का, आधार कार्ड अपडेट का, और दोस्तों आप अपने यहाँ पे नॉमिनेशन भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ईमेल आईडी के बारे में, तो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है ईमेल आईडी अपडेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका एम पिन मांगेगा, ये जो आपने अपनी एम पिन बनाई है भाई, आपको एम पिन यहाँ पर डालनी है, उसके बाद जो दोस्तों आगे प्रोसेस करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी एम पिन डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे अपनी एम पिन डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे अपनी नई ईमेल आईडी डालना चाहते हो, जो आईडी आप अपडेट करना चाहते हो, वो आईडी यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और वही आईडी दोस्तों फिर से आपको नीचे वाले बॉक्स बना लेनी है इसमें, यानी दोस्तों जो आप अपनी ईमेल आईडी अपने अकाउंट में अपडेट करना चाहते हो या फिर ऐड करना चाहते हो, तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और फिर से वही आईडी आपको रीएंटर वाले बॉक्स में डालनी है। और दोनों में डालने के बाद दोस्तों आपको अपडेट वाले से लाल वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसमें ईमेल आईडी डाल के इस अपडेट पर क्लिक कर दोगे तो आपकी ईमेल आईडी जो है आपके अकाउंट पर रजिस्टर हो जाएगी और दोस्तों 7 दिनों के अंदर वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। दोस्तों यही एक तरीका है, इस तरीके से आप बिना ब्रांच आए अपने अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो। दोस्तों ईमेल आईडी अपडेट करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारे अकाउंट में जो भी दोस्तों मैसेज आते हैं, जो भी दोस्तों हम लेन देन करते हैं, उसका एक मैसेज और उसके जो भी मैसेज होते हैं दोस्तों वो हमारे ईमेल आईडी पे चले जाते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो और ईमेल आईडी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में अपनी ईमेल आईडी ऐड या फिर अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।